दोस्तों, हम जब भी शेयर मार्केट में निवेश की बात करते हैं ना, तो हमें हर बार यही सलाह दी जाती है कि लंबे समय तक के लिए निवेश करना चाहिए मार्केट में, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन यहाँ एक समस्या आती है कि हम बड़े बजट को, बड़ी अमाउंट को तो लंबे समय तक निवेश नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि उससे तो हमें जल्दी जल्दी रिटर्न चाहिए होता है, राइट। लेकिन इसके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है कि आप टिन्नी शेयर में निवेश करो। मार्केट में जो ऐसे शेयर जिनकी प्राइस कम होती है ना, ऐसे शेयर में आपको निवेश करना चाहिए। और आज हम एक ऐसे ही टिन्नी शेयर पर बात करेंगे। इस कंपनी का नाम है दोस्तों विकास लाइफ केयर लिमिटेड, और इसके शेयर की अभी प्राइस है 4.95 रुपए। टिन्नी शेयर का मतलब वो होता है दोस्तों जिस शेयर की प्राइस बहुत कम होती है, यानी कि लगभग आप 500 रुपए में तो इस कंपनी के 100 से भी ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं। टिन्नी शेयर मतलब कम कीमत वाले प्राइस के शेयर। आज हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड की कंपनी के बारे में, पूरी एनालिसिस देखेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े क्या कहते हैं, पिछले 5 सालों का ग्राफ क्या कहता है, अभी इस कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, पी आर ओई, मार्केट कैप, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, सभी के बारे में बातचीत करेंगे। और हाल ही में इस कंपनी ने क्या बड़ी डील की है, तो आगे फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हमें सामने दिख कर आती है, उन सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी का जो मेन काम है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स को दुनिया भर के कस्टमर के लिए प्रोवाइड करवाना, और इसके अलावा ट्रेडिंग ऑफ पॉलीमर्स एंड पॉलीमर एडिक्टिव रिलेटेड केमिकल्स, आयरन, स्टील और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इन सभी चीजों पर ये कंपनी काम करती है। लेकिन हाल ही में इस कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक बड़ी डील भी की है। ये देख सकते हैं आप, जी बिजनेस के ऊपर भी बड़ी खबर आई है कि विकास लाइफ केयर एक्वायर्ड्स 30% स्टेक इन अर्ध सैनिक कैंटीन्स। बिजनेस स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी आपको ये अपडेट देखने मिल जाएगा कि विकास लाइफ केयर स्पर्स ऑन एक्वायरिंग स्टेक इन डोमेस्टिक रिटेल चेन, यानी अब ये कंपनी अपने बिजनेस को डोमेस्टिक और रिटेल सेक्टर में भी बढ़ा रही है। इसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं ये इस पीडीएफ फाइल में, अबाउट अर्ध सैनिक कैंटीन स्टोर। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है फॉर चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स ओन बाई अभियम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, वेयर इन कैंटीन यानी रिटेल स्टोर्स आर बीइंग ऑपरेटेड अक्रॉस इन इंडिया बाई रिटायर्ड पैरामिलिट्री पर्सनल, फैमिली मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग जवान्स एट देयर होम टाउन्स। अच्छा, इसके अलावा जो प्रेजेंट नेटवर्क है एएससी कंप्राइजेस, उसमें 600 रनिंग कैंटीन्स हैं, 12 रनिंग डिपोट्स हैं, 140 प्लस वेंडर पार्टनर्स हैं और 4500 प्लस कैंटीन रिक्वेस्ट इन प्रोसेस हैं। इसके अलावा वेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ कंज्यूमर गुड्स भी आप देख सकते हैं, ग्रोसरी, पर्सनल केयर, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम केयर प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह। और जो जाने माने पॉपुलर ब्रांड के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके क्वालिटी प्रोडक्ट भी ये ऑफर करते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, हिमालय, फिलिप्स इंडिया, एयर अप्लायंस वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये देखा जाए दोस्तों तो अर्ध सैनिक कैंटीन के बैक एंड का जो पोर्टफोलियो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और अब विकास लाइफ केयर ने भी इसका 30% स्टेक एक्वायर किया, तो जाहिर सी बात है इससे विकास लाइफ केयर के पोर्टफोलियो को भी और स्ट्रॉन्ग मिला, यानी मजबूती मिली है। चलिए इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल आंकड़ों की बात करें, तो इस कंपनी का मार्केट कैप अभी चल रहा है 663 करोड़ रुपए। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी ये चल रहा है अभी 21.57%। इस कंपनी का पीई रेशियो भी काफी अच्छा 9.10, पीबी रेशियो 2.75, इंडस्ट्री पीई 38.18 और डेब्ट टू इक्विटी 0.12 है। अच्छा, अगर ये टर्म्स आप पहली बार सुन रहे हैं तो इनके फंडामेंटल्स के डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो भी यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, कि ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ इनका एक्चुअली मींस क्या होता है। चलिए इसके फाइनेंशियल्स की बात करें रेवेन्यू पर। देखिए 2018 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 195 करोड़। ये सब वैल्यू करोड़ में है, सीआर में है ना। 2019 में 216 करोड़, 2020 में 155 करोड़, 2021 में 74.99 करोड़ और 2022 में देखिए अभी तो ईयर एंड भी नहीं हुआ और कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ की है, 301 सीआर के लगभग पहुंच चुका है अभी। 2022 के क्वार्टरली डेटा भी आप देख सकते हैं, अच्छा खासा ग्राफ में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो भी आप स्क्रीन पर इसके डेटा देख सकते हैं, पिछले सालों की तुलना में इस साल कंपनी का नेट वैल्यू प्रॉफिट जो है ना वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी इस साल अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए अब बात करते हैं इसके शेयर प्राइस और शेयर ग्राफ के बारे में। तो इस कंपनी का प्राइस रेट अभी चल रहा है 4.95 रुपए, मैंने आपको बताया। पिछले वन मंथ के डेटा की बात करें तो 0.05 पैसा कम हुआ इस शेयर का प्राइस पिछले महीने की तुलना में, और पिछले 6 महीनों का चार्ट भी आप देख सकते हैं ग्राफ में। और ईयर टू डेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, और पास्ट वन ईयर का भी देखिए ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कंपनी के अंदर। पास्ट वन ईयर में ग्रोथ देखने को मिली है इसके शेयर प्राइस में 45.16%, और पास्ट फाइव ईयर की बात करें तो भी यहाँ पर 86.09% ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप जब शेयर मार्केट में निवेश करते हो ना तो छोटे छोटे शेयरों की तलाश करते हो, तो ऐसे आपको टिन्नी शेयर पर नजर रखनी चाहिए और इस टिन्नी शेयर पर भी आप विचार कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि पर्सनली मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं कि आप इसी शेयर में निवेश करो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से निवेश करने से पहले अच्छे से उनकी राय लें और खुद भी कंपनी की अच्छे से एनालिसिस करें। जरूरी नहीं कि यही कंपनी हो, किसी भी कंपनी में निवेश करो, इस तरह से उस कंपनी के डिटेल्स देखो, हाल ही में उस कंपनी ने क्या बड़ी डील की है, उन सभी चीजों पर नजर डालो और उसके बाद अच्छे से सोच विचार करके फिर डिसीजन लिया करो, क्योंकि मार्केट में निवेश कर रहे हो तो आपका पैसा लगा रहे हो आप, बाजार
में भी जब अपन कोई चीज खरीदते हैं तो चार दुकानों पर रेट पूछते हैं ना, जांच पड़ताल करते हैं ना अच्छे से उसकी, अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं। तो उसी तरह से आपको मार्केट में भी ऑनलाइन निवेश करने से पहले अच्छे से एनालिसिस करनी चाहिए। लेकिन कम बजट जिनके पास पैसे कम है उन लोगों के लिए इस तरह के टिन्ने शेयर जो है ना अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब। इसीलिए मैं आपको आए दिन बताता रहता हूँ जो मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के, उन स्टॉक्स की प्राइस काफी ज्यादा होती है, 800-900 रुपए, कुछ कुछ के 2000-2500-3000 रुपए तक एक शेयर की प्राइस होती है। यानी कि अगर आप 10 शेयर भी खरीदना चाहते हैं तो 3000 की प्राइस है तो 30000 रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन इस शेयर की वैल्यू प्राइस ही अभी 4.95 रुपए है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना, आप 500-1000 रुपए में तो कंपनी के 100-200 शेयर खरीद सकेंगे। तो इस तरह से कम पैसों में आपके पास ज्यादा शेयर खरीदने के निवेश का विकल्प रहता है टिन्नी शेयर में। ओके, यहां पर इस वीडियो में हमने बात की विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। और भी आप किसी कंपनी के शेयर की एनालिसिस जांच पड़ताल चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी तरह के फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।